हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का हमारा लेसन है, आज हम एक गाने पे करने वाले हैं। गाने का नाम है तेरा बन जाऊंगा, नया गाना आया है, ठीक है। अखिलेश सचदेवा और तुलसी कुमार जी ने गाया है गाना, और इसकी काफी सारी रिक्वेस्ट आई, तो इस गाने पे करने वाले हैं। वो ही है, हमेशा की तरह दोनों हाथों से सीखने वाले हैं। सिर्फ राइट हैंड पे नहीं काम करना, सिर्फ हमारे को करना है दोनों हाथों पे काम। लेफ्ट और राइट हैंड दोनों पे काम करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप देखना, पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, गाना प्ले करूंगा, उसके साथ मैं प्ले करके दिखाऊंगा आपको मैं क्या आज सीखने वाले हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड कॉर्ड पैटर्न, एरपीजियो पैटर्न, किस तरीके का पैटर्न फॉलो हुआ है, कहाँ पर कौन सी कॉर्ड यूज करनी है, राइट में कैसे फिलर्स वगैरह करने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कवर सॉन्ग के लिए कैसे आपको बनाना है गाना, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, सुनते हैं थोड़ा बहुत, फिर आपको मैं पूरा सिखाऊंगा, आराम से देखना पूरा लेसन, ठीक है। देखना जरूर आप, आराम से बी मेजर पे। अंतरा भी करेंगे, देखते हैं जितना पॉसिबल हो पाता है हमारे लिए उतना करेंगे। तो ये था, आपने सुन लिया होगा गाना, काफी फेमस गाना हुआ यार, ठीक है। तो ये ही इसी तरीके से सीखेंगे हम, ठीक है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है दोनों हाथों का, हम यही सीखने वाले हैं आज। तो एक एक लाइन के हिसाब से सीखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर कौन सी कॉर्ड क्या कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, लेफ्ट में क्या कैसे एरपीजियो पैटर्न बना रहा हूँ। तो सुनो एक बार दोबारा से, अब एक एक लाइन के हिसाब से चलने वाले हम, ठीक है। बी मेजर पे है, बी मेजर पे पहली लाइन है, मेरी राहे मेरी राहे मेरी राहे। देखो पैटर्न, अब मेरी राहे आपको विजिबल तो होगा, मैंने अपना कैमरे का एंगल हिसाब से रखा है कि विजिबल होगा। बी मेजर की कॉर्ड है 1 5 8, ठीक है, और यहां से हमारा थर्ड नोट लग रहा है कॉर्ड का 1 5 8 3 5 8, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। तो पहले मैं 1 5 8 थर्ड नहीं लग रहा है, ये नहीं लगेगा, 1 5 8 और 3 1 2 3, तो 1 5 8 और 3, ठीक है। मेरी राहे, ठीक है, मेरी राहे, ये ठीक है, ऐसे कुछ है। अब देखते हैं फिर, तेरे तक है, ठीक है, मेरी राहे तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, ठीक है। तो क्या था, टारा रा रा टारा रा रा। तो इस हिसाब से पहली कॉर्ड है बी मेजर, अगली कॉर्ड हम लेंगे ई मेजर, ठीक है, ई मेजर लेना आप, ना 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 ना। यहाँ पे ई की जगह देखो, हमारे पास सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ये कॉर्ड का ही नोट, ई नोट, लेकिन हमें लग रहा है नहीं यार। तो हम क्या ट्राई करने वाले हैं भाई, ई मेजर में कौन कौन से नोट आते हैं कॉर्ड में, ये और ये, मैं अब ये नहीं लूंगा, मैं कोशिश करता हूँ, चलो भाई एक बार ये देखता कौन सा सूट करता है, कोशिश करेंगे हम। बी मेजर पे तो ये ले रहे हैं हम, मेरी राहे ठीक है, ये भी नहीं जा रहा। अब देखो एक्सपेरिमेंट करके सीखने वाला है, मैं आपके आगे लाइव कर रहा हूं कि कैसे पता चलेगा, तभी आप लोग सीखोगे, तभी पता चलेगा। मेरी राहे तेरे तक है, तुझ
अब आपने देखा, मैंने ये दबाया ई मेजर का, मैंने ये भी यूज करके देख लिया, ये भी, मेरे को ना तीनों में से किसी में भी मजा नहीं आ रहा, कोई भी अच्छा नहीं लगा। आपको भी शायद नहीं लगा होगा, हो सकता लग भी गया ना भी लगा, तो हम कैसे पकड़ चलाएं? तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि भाई राइट में कुछ बजाओ ही मत, यहाँ पे हर जगह मत बजाओ, ठीक है। तो पर अगर हमें बजाना है फिर भी, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब आप देखना कि मैं क्या करूंगा। आपने देखा मैंने क्या करा, मैंने राइट से ई मेजर कॉर्ड प्ले करी लेकिन बहुत धीरे, लाइट लेफ्ट को तो पूरा लिया मैंने 158 लेफ्ट में, लेकिन राइट में मैंने बस यूं करा बहुत हल्का, और वो उसके साथ मर्ज हो गया, ठीक है। मेरी राहें तेरे तक है, अच्छा लगा ना, रा 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 रा। अब देखो मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग बोर हो जाओ यार, तो मैं माफी चाहूंगा, बट क्या करूं, मेरे को एक एक लाइन समझाने पड़ती है, तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। 15835 लेफ्ट में ई मेजर पे क्या लिया था, 15835, और यहां से ई मेजर कॉर्ड दबाई थी, ध्यान से देख लो भाई, 15835 ला रा 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 G शार्प माइनर लगेगी, उसमें लेफ्ट में 158, और यहां से ये लेना, ये दोनों नोट देख लो, G शार्प माइनर के पहला नहीं लेना, दूसरा ले रहा हूं भाई, G शार्प माइनर कॉर्ड ये होती है, तो पहला छोड़ दो, 3 और 5th नोट लो, ठीक है। तो देखो, मेरी राहें तेरा रा रा, मेरे को थोड़ा लिरिक्स नहीं आता, तो मेलोडी के हिसाब से मैं गुनगुना रहा हूं, तारा रा रा है। तो यही था शुरू का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से भी एक्सपेरिमेंट करना होगा, मैंने लेफ्ट का पैटर्न बता दिया आपको, फिर राइट में कोई कोई नोट आप अपने हिसाब से लगा के देखो, स्केल के, बस स्केल के हो, उसी स्केल में हो, ये तो हो गया। देखो यहां पर भी सेम, ये लिख लो आप कहीं अपने उसमें, जहां पे भी आप नोट डाउन करते हो कॉपी में या कहीं पे, तो लिख लो ये लाइनें सेम थी, जो भी फीमेल वर्जन का आया पूरा पार्ट, उसमें हमने जो चार कॉर्ड यूज करी है, ठीक है, दो बार रिपीट हुए थे वो, तो चारों बार में हमने वो मतलब सेम चीज करी है, मतलब जो चार लाइन थी फिर दोबारा जो चार लाइन आई फीमेल वर्जन की, वो सेम है, सेम कॉर्ड सेम पैटर्न यूज करा है, ठीक है। अब ये देखो जो मेल वर्जन आ रहा है, देखो अब यहां लगे साथी तेरा भाई, अब यहां हो रहा है अलग खेल, बी मेजर कॉर्ड से उठ रहा है, देखो कैमरे का एंगल रखा है, मैंने आपको कोशिश कर पाऊं मैं दिखाने की, बी एफ शार्प बी मेजर के नोट हैं ये, और यहां से ये तीन नोट, 1 2 3 देख लो इसको अच्छे से, कर लो नोट डाउन, इजी है, बहुत इजी है। मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मेरे वर्जन आया ना, हमने शुरू में बी मेजर कॉर्ड और ई मेजर का रिलेशन चलता रहेगा, बार बार वही चलेगा, बी मेजर ई मेजर, तो वही चीज करो, ये फिर ई मेजर जब कॉर्ड आई थी वहां से, यहां से भी सेम देख लो, ई मेजर, अब जी शार्प माइनर, वही चीज, देखो
जरा सेम चीज चलाइए ये जो फीमेल वर्जन था उसको मैंने अलग डिवाइड करके आपको बता दिया कौन कौन सी चार कॉर्ड यूज करी थी, क्या पैटर्न यूज करा था। हो सकता है आप साफ सी बात है जब मैं पूरे लेसन हो जाएगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वीडियो दोबारा देखना वो आपको तभी समझ आएगा कि कैसे करना है। एक बार ही नहीं आएगा कि फीमेल वर्जन का वर्जन अलग करके लिख लो कि वहां कौन सी कॉर्ड मैंने यूज करी थी, कैसे फिलर्स यूज कर रहे थे राइट और लेफ्ट में कौन सी कॉर्ड। और अब ये जो मेल वर्जन की कुछ लाइनें हुई है हमारी, यहां मैंने बी मेजर और ई मेजर का रिलेशन यूज करा, फिर जी शार्प माइनर, फिर उसके बाद दोबारा ई मेजर आई थी, फिर बी मेजर पे खत्म हुआ था वो पैरा। ठीक है, तो मैंने कहा कैसे यूज करा वो मैंने आपको बताया है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये ई मेजर पे भी जब आया था हमारा मेल वर्जन की बात कर रहा हूं, मेल वर्जन, फिर जी शार्प माइनर आई थी, यहां ये करा था जो फीमेल वर्जन में यूज कर रहा था जी शार्प माइनर पे वही चीज, फिर ई मेजर दोबारा आई वही चीज। ठीक है, आप देखते हैं सेम है दोबारा। अब क्या हुआ है जो मेल वर्जन रिपीट हुआ है ना, कुछ नहीं है, सेम है बिल्कुल, जो रिदम है गाने की मेलोडी जो रही है बिल्कुल सेम रही है, बस क्या हुआ वहां बीट आ गई। उससे पहले एक रिप्रेस की तरह चल रहा था सॉफ्ट, फिर वही चीज आ गई लेकिन बीट्स के साथ आ गई, लेकिन कॉर्ड एरपीजियो पैटर्न हर चीज सेम रहेगी बिल्कुल वैसे ही। वरना मैं फिर भी आपको प्ले करके दिखा रहा हूं एक बार। अच्छे से देखो, नॉर्मल चीज थी बी मेजर स्केल पूरा प्ले कर दिया, मतलब पूरा बी मेजर स्केल प्ले कर दिया। ठीक है, तो यही था। ये कहीं कहीं आप मेलोडी यूज कर सकते हो, बीच में करी है इन्होंने, याद हुआ नहीं है मैंने, मतलब ज्यादा सुनी नहीं था, अभी सुना बस आपको सिखाने से पहले थोड़ा सा, तो ऐसी कुछ है मैंने जल्दी से कॉर्ड फाइंड आउट करी, उसकी बैकग्राउंड पैटर्न थोड़ा बहुत सोचा जो आप लोगों को बता दूं मैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कि मैं भर दूं आपको समझना है। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो करना है, राइट हैंड की मेलोडी बजाओगे तो भी यही करना है। अब देखते हैं अंतरा क्या है, अंतरा देखो ये बीच का है, बीच में वही बजा दो जो अभी मैंने आपको बताया, ये कॉर्ड पैटर्न बजा दो जो सिखाया है। वो जो कॉर्ड पैटर्न सिखाया था लखा दो छोरा
बी मेजर से उठ रहा है कॉर्ड पैटर्न सुन लो पहले क्या लगाने वाला हूँ। बी मेजर जी लिख लो कहीं, अब अंतरा की संतरे में क्या आएगा, बी मेजर जी शार्प माइनर ई मेजर और एफ शार्प मेजर हम यूज कर रहे हैं ठीक है। बी मेजर जी शार्प माइनर ई मेजर और एफ शार्प मेजर ठीक है ना, तो कहीं लिख लो अच्छे से आपको याद रहेगा। इधर हम ये यूज कर रहे हैं पैटर्न देखो बी मेजर वाली जगह जो यूज करना है अंतरे में सुन लो, ये सेम है पहले वाला। अब देखो बी मेजर 1 5 और ये इसको 8 भी कह सकते हो 1 भी कह सकते हो, क्योंकि अगर बी मेजर शुरू करें तो 1 कहलाएगा 1 2 3 या 8th नोट भी कहलाएगा, तो बात एक ही है 1 5 8 कह लो या 1 कह लो। फिर जी शार्प माइनर में 1 5 देख लो 1 और 5 और यहां से ये सेम, ये सेम रखो। ई मेजर में भी ये तीन नोट आ रहे हैं हमारे 1 5 8 और ये तीनों सेम कर लो, ये तीनों जरूर रखो तीनों ठीक है। देखते हैं भाई बस कैसा लग रहा है। तो देखो तो सेम है बी मेजर में ये लगाओ, तो बी मेजर में आपको ये लेना है ये नोट बी और एफ शार्प, जी शार्प माइनर में लेना है आपको जी शार्प ई फ्लैट लो आप और पूरा जी शार्प मतलब 1 5 और 8 आप 8 ले लो इसमें 1 5 8 लो, E मेजर में 1 5 8 लो, F शार्प मेजर में भी 1 5 और 8 लो, सिर्फ B पे मतलब आप जो कर रहे हो 1 5 और 8 ले रहे हो या 1 भी कह लो इसको, ये हम यहां से भी दबा रहे हैं राइट हैंड से लेफ्ट से तो एक ही है राइट से दबा लो, इसलिए मैं इसको लेफ्ट को 1 और 1 5 कैलकुलेट कर रहा हूं सिर्फ 1 5 B मेजर पे 1 5 और ये ठीक है। देखते हैं अभी जो मैंने आपको बताया 4 कॉर्ड ये लगाऊंगा, बिल्कुल मेल वर्जन शुरू में फीमेल वर्जन के बाद जो आया था शुरू वाले में पैरा में बिल्कुल वही है। बी मेजर और ई मेजर की जो प्रोग्रेशन यूज करी थी हमने, जहां बी मेजर ई मेजर फिर जी शार्प माइनर आया था है ना शुरू में, तो बिल्कुल वही प्रोग्रेशन है। ये देखो सुनो आप पूरा, मैं पूरा प्ले करता हूं आपके लिए। F sharp major, B major, G sharp minor, E major, F sharp major, D major, शुरू वाला, E major, B major, E major, दोबारा B major, E major, G sharp minor. Major.
शुरू वाला शुरू में लगा था शुरू में आया था ठीक है। अब इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ और इसका करने का क्या तरीका है। आप देख रहे हो हम ये यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो मतलब होगा क्या, हमें दो ऑक्टेव पे भी हम इस पे अरपेजियो पे काम कर सकते हैं, देखते हैं कितना पॉसिबल होता है, मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि बहुत लोग हैं वो इतनी इजीली कैचअप नहीं कर पाएंगे ना, दिक्कत होती है। ठीक है तो चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो गाना दोबारा चलाऊंगा, मैं गाना दोबारा सुनते हैं एक बार, फिर देखते हैं अब हम इसमें और एडिटिंग करेंगे, मैं थोड़ा और एडवांस बनाऊंगा। मैंने इस तरीके से लेसन को डिवाइड कर दिया है, थोड़ा इतना बिगनर टाइप का था, थोड़ा और एडवांस, तो एक बार देखो अब क्या चेंजेस करेंगे, देखते हैं जो हो पाता है। ठीक है, मेरी राहें तेरे तक है, इसको कैसे कर सकते हैं देखो, आप भी अपना दिमाग लगाओ, आपको भी जरूरी है दिमाग लगाना, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करोगे। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, मैंने पहले भी बताया है, ये साइंस और एक म्यूजिक ऐसी चीज होती है, मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट करे बिना बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपको करना होगा, दिमाग लगाने की कोशिश करो, चाहे गलत लगाओ लेकिन लगाओ। ठीक है, मेरी राहें तेरे तक है, ये देखा आप ऐड क्या करा, मैंने ये ऐड कर दिया, मेरी राहें तेरे तक है, याद रखो हम बी मेजर के नोट यूज करेंगे, उसमें खेलने की कोशिश करने वाला हूं मैं, ये आपके सामने कर रहा हूं मैं, खेलेंगे हम उसमें। कुछ चीजें हैं जो लाइव एग्जांपल करके पता लगती है, मैं जो हूँ ये सब आपके आगे ना मतलब लाइव ही कोशिश लाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव एग्जांपल हैं सारे कि मैं और क्या कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट, ये आपको ये सब करनी होगी। मैंने आपको इससे पहले स्लो मोशन में तो बता दिया जो मैं कर रहा था बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन अब हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट रैंडमली। बस क्या करना है मेरे को, थोड़ा ध्यान क्या रखना है बीट का, मेट्रोनोम का, एक होता है ना मेट्रोनोम, किस वे में गाना चल रहा है, किस रिदम में, फ्लो में, उसको कहते हैं। तो आपको बस यही याद करना है, उसके हिसाब से आप अपनी हिंट दो, गाने में हिंट मारते रहो। आपको क्या करना है, जो लोग यार वो बहुत लोग हैं प्ले नहीं कर पाते, उनको कॉर्ड है पीछे पैटर्न नहीं पता लगता, कि सपोज कोई गाना गा रहा है तो आप पीछे क्या बजाओ, आप खुद भी गाना गा रहे हो तो बैकग्राउंड में कैसे बने, कवर सॉन्ग कैसे बनाए। ठीक है, बहुत लोग हैं जो सोचते हैं बात, या राइट हैंड में मेलोडी प्ले कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट में कॉर्ड पैटर्न नहीं समझ आता, तो उसकी प्रैक्टिस है, गाना चलाओ अपना मोबाइल में या स्पीकर में कहीं पे, फिर उसके साथ सब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करो, यही मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पे। ठीक है, जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं तो ये होगा, तो उसमें क्या है, मैं कॉर्ड तो मैंने आपको बता दी सारी, जो मैं लगा रहा था स्लो मोशन में बताई है मैंने आपको कि मैं कौन कौन सी कॉर्ड लगा रहा था, मैं अब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ राइट हैंड में, मतलब जो स्केल है हमारा बी मेजर स्केल, उसमें से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने ई मेजर थी जैसे कॉर्ड, अब मैंने ई मेजर को यू नहीं यू करके बजा दिया, जीशा माइनर को यू दबा रहा था मैं, जीशा माइनर की इन्वर्जन बना दी, ये जीशा माइनर होती है सबको पता है, इसको वहां ले जाओ तभी पता चलेगा। और देखते हैं कुछ,
बी मेजर है। और सारी वही है जो पहले बताई थी। ये सब था जो मैं आपके आगे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसका एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आपको करना जरूरी है यार ये, हो सकता है मेरी बहुत बातें आपके ऊपर से जा रही हो, आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, बट फिर भी कुछ नहीं होता, एटलीस्ट आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है कि कुछ अलग, क्योंकि जरूरी है थोड़ा एक्सप्लोर करना, चाहे इधर उधर से कुछ भी हो, जैसा हो क्या हो पता नहीं, चाहे कुछ समझ ज्यादा आपको आया ना है, थोड़ा बहुत पाया होगा, मैंने कॉल भी बताई है, बट जरूरी है। अब आपका अब आप जरूरी अब आगे के लिए क्या जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना है ये, ठीक है, तभी आपका लेफ्ट और राइट हैंड का ना जो माइंड है ना मेकअप होगा। बहुत लोग जो सिर्फ राइट हैंड बजाते रहते हैं बट वो चाहते हैं कि यार लेफ्ट हैंड में बजाएं तो क्या बजाएं, समझ ही नहीं आता, मेरे से इतने लोग पूछते हैं, तो यार मैं उनको ये कहना चाहूंगा भाई करो, ट्राई करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं आएगा, सोचोगे तो हो जाए, आपने सोचा हो जाएगा बस बैठे बजाने, नहीं यार कॉर्ड भी अगर आपको कोई बता दे बी मेजर ई मेजर क्या कर लोगे, कॉर्ड बताकर वो एक थ्योरेटिकल चीज है, जो थ्योरी है बता दी आपको किसी लिख के दे दी, आप जब तक आपके हाथ नहीं चलेंगे ना आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ थ्योरेटिकल से कुछ नहीं काम चलता, प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रैक्टिकली के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, ये सब जरूरी है। तो ये सब ऐसे होगा जो मैंने आपको थोड़ा भी स्लो स्लो मोशन में बताया वो आप अप्लाई करके देखो, सीखोगे, बेशक बहुत कुछ नहीं बजेगा आपसे, बहुत कुछ नहीं होगा, पर सीखने का तरीका ये है कि हाँ आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, बाकी स्केल्स वगैरह बजाया करो, एडपीजियो कॉर्ड्स वगैरह की प्रैक्टिस करे करो, जो भी एक्सरसाइज है वो बजाओ, थोड़ा थोड़ा इन पे अपना दिमाग लगाओ, मोटिव इसको भी फोकस करने की कोशिश करो, तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यही था, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया, जो भी बाकी जो भी नहीं आया तो भी बताना मेरे को कमेंट में, जरूर बताना क्या था क्या नहीं था, तो फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। तो बाकी चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।